हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द अंजूस किचन में। आज अंजूस किचन में मैं आपके लिए कम तेल में बनी हुई एकदम खिली खिली साबुदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए साबुदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं मेरे अंदाज में। साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये साबुदाना ले लिया है। ये साबुदाना थोड़े बड़े साइज वाला लिया है और इसको मैंने दो बार पानी से धोकर रात भर उतने ही पानी में भिगोया जितने में ये डूब सकता है। और इस तरीके से ये देखिए, रात भर पानी में भीगने के बाद ये अब कितना खिला खिला बनके तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें एक्सेस पानी नहीं है और ना ही इसमें ये बहुत चिपचिपा है। अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से इसमें पानी सोख कर लिया है। अब मैंने ये दो कटोरी साबुदाना ले लिया है और एक कटोरी मैंने ये मूंगफली ली है। मूंगफली को भून लिया और भूनने के बाद ये इस तरीके से इसके छिलके निकाल लिए हैं। सारे छिलके निकालने के बाद मूंगफली का पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो ये मैंने हल्का सा दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अब साथ में मैंने ये ले ली हैं, दो हरी मिर्च ली हैं और ये कड़ी पत्ता लिया है, फ्रेश कड़ी पत्ता, और हरा धनिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। और आलू भी मैंने छील के धो के इसके इस तरीके से डाइस करके कट करके तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने लो मीडियम फ्लेम में गैस ऑन किया है और नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। उसमें लगभग हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और अब इस कुकिंग ऑयल में हम ये आलू को डीप फ्राई करेंगे। तो हमको आलू जो है कम से कम 90% इसमें पका लेने हैं। तो आलू इस तरीके से जब हम बनाते हैं साबुदाने की खिचड़ी तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 90% रेडी हैं। तो ये आलू हम निकाल लेंगे अलग से कटोरी में। तो ये देखिए, ये आलू मैंने निकाल लिए और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि कम तेल में हम साबुदाना की खिचड़ी बनाएंगे, तो अब ये मैंने तेल निकाल दिया है और आधा ही तेल इसमें रह गया है। तो आप देख सकते हैं कितना कम तेल है इसमें। और अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा और कड़ी पत्ता। इसे अच्छे से क्रैकल होने के बाद अब मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। हरी मिर्ची इस वक्त डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और थोड़ा उसका तीखापन कम हो जाएगा। और जो अब हमने आलू भुने थे ना, 90% आलू हमने तल लिए थे, वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इस वक्त आलू डालने से आलू में हरी मिर्च का और कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें साबुदाना ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अब सब फ्लेवर आ गया। अब ये जो मूँगफली का पाउडर था, ये मैंने दो बैचेस में डाला है। ये मूंगफली का पाउडर पहले मैंने थोड़ा सा डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया है और बाकी बचा हुआ मूंगफली का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, कितना ही हमारा खिला खिला सा साबुदाना बनके तैयार है। और मैंने अब इसमें स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक डाला है। यदि आप इसको व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, आप इसको बिना व्रत के भी साबुदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैंने इसको हरे धनिए से सजा भी दिया है और हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और खुशबू भी बड़ी अच्छी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है और ना ही ये ज़्यादा चिपचिपी बन के तैयार हुई है और ना ही ज़्यादा ये ऑयली है और ना ही ज़्यादा ये ड्राई है। तो हमारी साबुदाना की खिचड़ी बनके तैयार है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही आसान रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैंने इसको क्रश्ड मूंगफली से थोड़ा सा गार्निश किया और हरी धनिया की पत्ती से भी गार्निश कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।